इट्स बीन लॉन्ग दैट वी मेट एंड वी डिस्कस द क्वेश्चन. तो आज हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एथिक्स का. एंड द क्वेश्चन इज वन मैंस टेररिस्ट इज अनदर मैंस फ्रीडम फाइटर. डू यू अग्री? ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन लिखा हुआ. क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से देखते हैं. वन मैंस टेररिस्ट इज अनदर मैंस फ्रीडम फाइटर. डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चन आर अगेन कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन और समबडीज आइडिया और ओपन एंडेड क्वेश्चन वेयर योर अग्रीमेंट योर डिस्कोर्स टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर आइडिया और अ थॉट इज सीन. सो लेट्स सी हाउ आर वी गोइंग टू सी सच अ क्वेश्चन. जनरली वॉट हैपन्स वेन अ क्वेश्चन लाइक दिस इज आस्क्ड, हम लोग का दिमाग थोड़ा एक डायरेक्शन में एक दिशा में काम करना चालू कर देता है. कैसे करना चालू कर देता है? दैट नाउ दिस इज अ परसेप्शन विच अपियर्स टू बी ट्रू, राइट? व्हाई? बिकॉज इवन भगत सिंह वॉज कॉल्ड एज अ टेररिस्ट बाय ब्रिटिश. एंड इसी तरीके से और लोग भी देखते हैं कि ये परसेप्शन हो सकता है कि एक आदमी का टेररिस्ट दूसरे आदमी का फ्रीडम फाइटर हो. भगत सिंह हमारे लिए फ्रीडम फाइटर रहे हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन हो सकता है ब्रिटिश के लिए टेररिस्ट रहे हो. लेकिन ये एथिक्स जब बात करता है, एथिक्स बात करता है हाइटेंड रीजनिंग की, ऑब्जेक्टिविटी की. तो यदि हम लोग ऑब्जेक्टिविटी से देखें तो उसके अंदर जब हम लोग किसी भी चीज की एथिकलिटी देखते हैं, मॉरालिटी देखते हैं, तो उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है, आपका मकसद क्या है. दैट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट इज योर इंटेंशन, व्हाट इज योर पर्पस बिहाइंड डूइंग समथिंग. नाउ इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पर्पस, वॉज भगत सिंह पर्पस दैट ही वॉन्टेड टू स्प्रेड टेरर? देखते हैं टेररिज्म जो शब्द आया है वो कहां से आया है. वो व्यक्ति, वो इंसान जो टेररिस्ट, जो टेरर फैलाता है. इंसान भी बोलना मुश्किल होगा क्योंकि जो आदमी टेरर फैला रहा है, खौफ डर फैला रहा है, वो उसको इंसान कितना बोला जाए कितना नहीं बोला जाए. लेकिन जिसका मकसद है, द पर्सन हु एम्स एट टारगेट्स एट स्प्रेडिंग टेरर, दैट पर्सन वुड बी नोन एज अ टेररिस्ट. अ पर्सन हु इज फाइटिंग इन मोर, इट वुड बी मोर इन लाइन विद सेल्फ डिफेंस. तो जो व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए, आजादी के लिए लड़ाई कर रहा है या किसी और जनता की आजादी के लिए लड़ाई कर रहा है, उसका इंटेंशन और एम हो गया लोगों को बचाना या फ्रीडम, आजादी पाना. सो दैट पर्सन वुड बी कॉल्ड एज फ्रीडम फाइटर. अब ये सुनने में सुपरफिशियली इट माइट अपियर दैट वन मैन्स टेररिस्ट इज अनदर मैन्स फ्रीडम फाइटर. पर अगर हम लोग ये कहते हैं और इस बात में केवल यही एक एंगल देखते हैं तो हम लोग केवल और केवल परसेप्शन की बात कर रहे हैं. जब रीजनिंग की बात करेंगे तो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट थिंग दैट टेररिज्म दिस इज अ सेपरेट टर्म, फ्रीडम फाइटर इज अ डिफरेंट टर्म एंड बोथ मीन डिफरेंटली. जब भगत सिंह को देखेंगे तो वी गॉट टू सी भगत सिंह और एनी अदर फ्रीडम फाइटर हु इज जनरली अ फ्रीडम फाइटर, वी आर गोइंग टू सी दैट पर्सन इन कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी. हम लोग पूरी ऑब्जेक्टिविटी के साथ ये चीज देखेंगे कि क्या भगत सिंह या कोई भी और फ्रीडम फाइटर सच में फ्रीडम फाइटर था. कैसे पता चलेगा हमें? उनके इंटेंशन से, उनके पर्पस से. सो व्हाट वाज द पर्पस? ही कुड हैव, ही न्यू हाउ टू मेक अ बॉम्ब, ही न्यू वे टू थ्रो अ बॉम्ब. बट अगेन, उन्होंने किसी को मारने के लिए नहीं फेंका था. क्या मकसद था उनका? हमारे देश को आजाद कराना, देश के लोगों को आजाद कराना. किसके, कोई और एक्सटर्नल रूल था, कोई एलियन रूल था जो कि यहां पर आकर काम कर रहा था हिंदुस्तान में? अगर हम लोग इस लाइन में देखते हैं तो आगे जाकर क्या देखेंगे? आप बात करेंगे टेररिस्ट की, तो क्या ओसामा बिन लादेन और भगत सिंह का नाम हम कभी भी एक लाइन में ले सकते हैं? कभी ले ही नहीं सकते. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि वहां ओसामा बिन लादेन या किसी भी टेररिस्ट ने 9/11 का जब WTC पर हमला हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर तब जब गिराया था, किससे आजादी दिलाना चाह रहे थे? वहां पर इनोसेंट पीपल वर वर्किंग इन अकॉर्डिंग टू देयर डेली रूटीन एंड समबडी केम फ्रॉम आउटसाइड एंड किल्ड ऑल ऑफ देम. All those innocent people, that is spreading terror. That is no fight for any freedom. So when we see objectively, one man's terrorist is another man's freedom fighter is only a perception. But when we see objectively, a person who is a terrorist would always remain a terrorist. A person who is a freedom fighter would always remain a freedom fighter. And what would be the guiding force behind all that would be the intention and purpose for what they lived, for what they had. गौन है. तो ब्रिटिश भी यदि बुलाते हैं अगर भगत सिंह को कि वो फ्रीडम फाइटर नहीं है, टेररिस्ट है, तो वो भी सही नहीं करते. एक पॉइंट ऑफ क्वेश्चन यहां पर मैं बोलना चाहूंगा, वीडियो से रिलेटेड नहीं है, क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है. ब्रिटिशर नहीं होता है, ब्रिटिशर बोलना उतना ही गलत है जितना हम बोले इंडियनर. ब्रिटेन के लोग हैं, उन्हें ब्रिटिश बोला जाता है. तो ब्रिटेन से ब्रिटिश आया, दे आर नॉट ब्रिटिशर्स. इंडियनर नहीं होता है, ब्रिटिशर नहीं होता है. एक और टिप दे देते हैं कि जब भी लिखें किसी भी कंट्री का नाम तो हमेशा पहला लेटर कैपिटल लिखें. और हां, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. आप
और हाँ मैं बेल आइकन दबाना मत भूलना, और लोग को भी भेजिए, मेंस में बहुत कम समय बचा है। अगर आप कुछ क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से सोचना है, एथिक्स के पेपर में किस तरीके से लिखना है, आई होप इट हेल्प्स, एंड इफ यू नीड समथिंग एल्स बिफोर योर मेंस टेल अस, वी विल ट्राई एंड मेक अ वीडियो ऑन दैट। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, वी विल कीप पोस्टिंग वीडियोस, कीप अपडेटेड, थैंक यू।